तो बेट द्वारका में गैरकायदे बांधकामों पर डिमोलिशन करायू अने आ वातनो उल्लेख पीएम मोदी पोताना संबोधन में करीने सीएम भूपेन्द्र पटेल ने अभिनंदन पाठव्या। तो आम आ वखते चूंटणी में बेट द्वारका हॉटस्पॉट बनी गयू छे। तो आजे देवभूमि द्वारका थी हवे गुजरात गौरव यात्रा नो प्रारंभ करायो छे। तो आ गौरव यात्रा में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम भूपेन्द्र पटेल, पूर्व सीएम विजय रूपाणी तेमज जवाहर चावड़ा सामेल थया हता। तो आ गौरव यात्रा ना प्रारंभ बाद जेपी नड्डा सहित नेताओं बोट में बेसी ने बेट द्वारका पहुंचा था। जो कि डिमोलिशन अंगे जारे जेपी नड्डा ने पूछवामां आव्यु त्यारे तेओ जवाब आपवानुं टाळ्युं हतुं। तो आम आ वखते गैरकायदे डिमोलिशन नी कामगीरी करीने भाजप तेनी कामगीरी चूंटणी में देखाड़वा मांगी रह्युं छे, जेमां पीएमए पण पोताना संबोधन में बेट द्वारका ना डिमोलिशन नो उल्लेख करीने आखी दरियो पट्टी में साफ सफाई करवानी वात करी हती। त्यारे गुजरात गौरव यात्रा नो प्रारंभ द्वारका थी करीने भाजप आ वखतनी चूंटणी में फरी मैदान मारवा सज्ज बन्यु छे। तो भाजपनी आ गुजरात गौरव यात्रा द्वारका थी नंदाणा जुआन पर वड़ात्रा थईने खंभाड़िया पहुंचीने रात्रि रोकाण करशे, जेमां मोड़ी सांजे मनसुख मांडवियानी सभानुं पण आयोजन करवामां आव्युं छे। तो जाम खांभड़िया में गौरव यात्रा नु रात्रि रोकाण करवामां आवशे त्यारे मनसुख मांडविया जनसभा ने पण संबोधन करशे। तो गुजरात गौरव यात्रा द्वारका थी नंदाणा जुआन पर वड़ात्रा थईने खंभड़िया पहुंचे ज्यां रात्रि रोकाण करवामां आवशे। ऐसा है भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, भगवान श्री कृष्ण की सेवा का हम सबको अवसर मिलता रहे और हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कोई कसर न छोड़े और उनकी कृपा बनाए रखने के लिए जो वातावरण चाहिए उसके लिए हमें ये सुबुद्धि शक्ति और ताकत दे। बाकी सभी पार्टियां, कोई नेशनल पार्टी नहीं रह गई, कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई। और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, कांग्रेस भी सिकुड़ गई, कांग्रेस भी कमजोर होकर के सिकुड़ गई और न ये अब राष्ट्रीय पार्टी रह गई है, न ये भारतीय पार्टी रह गई है, अब ये सिर्फ भाई बहन की पार्टी है। बाकी सब ताली बजाओ थाली बजाओ छुट्टी पाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है।